नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ कमिश्नरी पर चल रहे त्यागी समाज के धरना प्रदर्शन को लेकर मुजफ्फरनगर से राजेश त्यागी खुड्डा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोग मेरठ कमिश्नरी पहुंचे और मांगेराम त्यागी को पगड़ी पगड़ी व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं मांगेराम त्यागी को सर्व समाज द्वारा अपना मुखिया चुनते हुए कहा गया कि मांगेराम त्यागी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और यह लड़ाई पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। इस मौके पर टोनू त्यागी बेहड़ी, नीरज त्यागी, आदेश त्यागी, शेखर त्यागी, काका त्यागी, रोहन त्यागी, अभिषेक त्यागी, आशु त्यागी, दीपेंद्र त्यागी, विशाल त्यागी, आकाश गुर्जर, अन्य लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर मांगेराम त्यागी का स्वागत किया। जो मीडिया के खिलाफ लीगल एक्शन ले बता भाजपा लोगों किसी एक आदमी ने नहीं बताया गलत तरीके से। और भाई मीडिया आपने गलत करा, समाज एक लड़की ने आगरा में एक गार्ड भेज दिया, दूसरे लिख रहे हैं लेडी त्यागी, नोएडा में एक आदमी गाली देते उस लेडीज ने, उसे लिख रहे हैं हमारी लेडी त्यागी महिला श्रीकांत ऋषिकेश और देहरादून। भाई जितने भी लगता है सबको श्रीकांत या महिला श्रीकांत या मंजिल लेडी और लेडी त्यागी लिखते हैं क्या? इन लोगों के दिमाग भाई इनके खिलाफ लीगल में कार्रवाई कराओ के और सिद्धि से बाधा भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। त्यागी बोले भैया ये सिद्धि से बात है, लोड होगा भाजपा का होगा, लोड भाजपा खुद ही कांग्रेस या बसपा को ला देंगे। और एक बात और बता दूं, आज सबसे जुड़े हुए कम्युनिस्टों से जुड़े हुए युवा है पुलिस कमिश्नर, उन्होंने उठाया इस आंदोलन को, क्या होगी ये जितने भी नेता है श्रीकांत त्यागी, अजीत पाल त्यागी, सत्यवीर त्यागी, बसंत त्यागी, उसके खिलाफ एक का नाम बता दो राज भट्टा खिलाफ कार्रवाई का नाम है क्या? और इस सांसद के खिलाफ आदमी चढ़ रहे हैं भाई डॉक्टर जो राजेंद्र अग्रवाल है काउज रखते हैं मंगलराम त्यागी, इतना हम खुल के समर्थन करा, ये जब मेरा खुल के कहा बहुत मर जाएंगे का बिगुल बजा था ठरा भाई दिया कौड़ी का संबित पात्रा नु गया जाड़ू के साथ मिला स्वाभिमान की लड़ाई है हर जगह जितनी हमारी मैं बता दूं आज कुछ समाज के लोगों ने आपका सम्मान भी किया है, कहाँ के थे, क्या था मामला? ठीक है, अब उसका फोटो भी है, वीडियो भी है, करता हूं। सामने तो आ जाओ, एसी की गाड़ी माला सम्मान सम्मान है वही लोग भी करो यूनिवर्सिटी पे सावन त्यागी महादेव नाम है ये सम्मान मन करे ना अकेले खड़ा हो बोलिए मार के गेट दो तुझे असली सम्मान तो उस दिन होगा त्यागी को त्यागी हमारे बीच होगा। आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर से ही त्यागी समाज आज आपको अपना एक चौधरी के नेतृत्व करने के लिए आपको अपना मानना है, क्या कहिए? अरे भाई एक बात बोलो, त्यागी हॉस्टल गया, बोमी भाई जैसा मंसूरपुर गया, मेरे प्रमुख त्यागी हॉस्टल आया और तीन दिन का लगातार घूमने में मजबूत होगा। जब तो मेरठ कमिश्नरी में लगातार धरना जारी है, अनु त्यागी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके परिवार को, उसकी मामी को, और उसी में समाज वहाँ इकट्ठा हो रहा, भारी संख्या में आज भी भीड़ थी, नौजवान बुजुर्गों की संख्या देखने लायक थी, सम्मानजनक स्थिति में लोग इकट्ठा हो रहे और सब आतुर हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं समाज को न्याय मिलना चाहिए, अनु के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और श्रीकांत पर भी जो धाराएँ हैं जितनी बैठती हैं उतनी ही धाराओं की बात थी कि उससे अगर जो भी उस पर मुकदमे दर्ज किए हैं उसका वो अपराधी नहीं था, उनको दोषी नहीं था, उन्हें वापस लिया। क्या आह्वान करेंगे समाज से? समाज से क्या आह्वान करना चाहेंगे? समाज से आह्वान यही है कि भाई ज़्यादा से संख्या में वहाँ पहुँचते रहे, और एक ये लड़ाई है एक अहंकारी सरकार से जिसकी आँख कान संपन्न है, क्योंकि योगी जी आए हुए थे इसीलिए ये धंधा भी वहाँ रखा गया था, मालूम पड़ा था भाई योगी जी आएंगे, और सभी की मंशा ये थी कि भाई कोई मिले ना मिले कम से कम अनु से तो मिली नहीं पर्सनली, उसका भाई पीड़ा को समझे, एक महिला की पीड़ा को भी ये सरकार कहीं तो जो है बताते हैं भाई महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार में हमें तो अपने समाज की महिलाओं का सिवाय अपमान के अलावा कुछ दिखाई देने नहीं रहा। कहाँ गया है महिला आयोग?
बताइए आप लोग, महिला आयोग आज चुप्पी साधे हुई है। आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? आगे की रणनीति यही है कि रोज इसकी भूमिका बदलती रहेगी। अगर आने वाले समय में सरकार कुछ नहीं सुनती तो ये सब बड़ा आंदोलन, यानी कि बड़े जैसे किसान आंदोलन चला, इस तरीके से इसे प्रमाण चलाने का काम किया जाएगा। और ये महापंचायत है हर जिले में, जहाँ जाती है कि ब्राह्मण समाज की तादाद ज़्यादा है वहाँ करने का हम लोग काम करें। आज सम्मानित किया गया है क्या? आज त्यागी समाज के द्वारा पगड़ी पहनाकर मांगेराम त्यागी जी और मुझे जो सम्मान समाज ने दिया है, उस समाज का हमेशा मैं उस सम्मान का ऋणी रहूँगा। और उस सम्मान जो उन्होंने मुझे जिस लायक समझा, वो लड़ाई लड़ने का, अपने समाज की लड़ाई लड़ने का कार्य, वो भी त्यागी हमेशा करता रहेगा।